आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना और हमारे सामने आई है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें, यह पूर्व दिल्ली के भायरी क्षेत्र स्थित गाजीपुर में शुक्रवार को कूड़े के पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और इस घटना के बाद लापरवाही की खबरें सुनने को मिली है। गाजीपुर के जिस कचरा स्थल पर पूर्व दिल्ली का कूड़ा डाला जा रहा था, वहाँ कचरा डालने की समय सीमा 15 साल पहले 2002 में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज करके वहां कूड़ा फेंका जा रहा था। कूड़े के इस ढेर को 20 मीटर ऊंचाई की मंजूरी दी गई थी, लेकिन इतनी चेतावनियों के बाद भी इस कूड़े की ऊंचाई 50 मीटर को पार कर चुकी थी और इसकी ऊंचाई को देखते हुए दुर्घटना संभावित थी, जो देखते देखते 1 सितम्बर शुक्रवार को हुई भी है। मालूम होता है की बारिश की वजह से अंदर बनी गैस के कारण कूड़े का बड़ा हिस्सा हिडन में गिर गया। 17 एकड़ इलाके में फैला हुआ था यह कचरे का पहाड़। यहाँ पर रोजाना 650 ट्रक कूड़ा डाला जाता था, जबकि इसकी कूड़े की समय सीमा 20 मीटर की थी, लेकिन यह 50 मीटर से भी ऊपर हो चुकी थी, फिर भी यहाँ कूड़ा डाला जा रहा था। इतना ही नहीं, कूड़े का यह पहाड़ काफी समय से खिसक भी रहा था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने यह सूचना दी थी, ड्रीपिंग ग्राउंड की सूचना कई बार प्रशासन को दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं दिखाई दिया था। और एमडीसी के अफसरों का कहना है कि कई बार जमीन की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कूड़े के निपटारे के लिए जमीन नहीं दी गई थी। ये थी SN News रिपोर्ट।